मैम हुआ तो देखिए, आप ठीक सबसे पहले तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में पहले मैं बांट लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछले एक दिन से हम लोग अब जो देख रहे हैं उदयपुर के अंदर, सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना है और ये हमारे को भी आहत करने वाली है, हमारे को भी जो है वो विचलित करने वाली है। और किसी भी प्रकार से इस तरह की परिस्थिति को हम लोग नहीं चाहते हैं, ना हमारा कोई इस प्रकार का उद्देश्य है, ना हमारा इस प्रकार से कोई सोच है कि जो हालात बने हुए, कितने सैकड़ों लोग जो हैं इसकी वजह से, एक घमंड और घुरूर की वजह से जो है वो चूर हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो नाम उदयपुर का जो है वो खराब हो रहा है, इन चीजों को सड़कों के ऊपर आकर इस प्रकार से जो है इसका समाधान निकालने का ये कोई तरीका नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरीके से इस चीज के सोच के साथ हैं, ना समर्थन करते हैं, ना हम इस सोच को जो है वो जायज मानते हैं। दूसरी बात, कानून का जहां तक एक सवाल आता है, हम लोगों को कुछ चीजों को जज्बाती नहीं होकर सोचने की आवश्यकता है। हर चीजों के अंदर, जज्बातों के अंदर बह के बिना सच्चाई जाने अफवाहें उड़ाकर उस प्रकार से उसके ऊपर दूसरे लोगों को गुमराह करके उसके ऊपर हम लोग काम करें और इस प्रकार से एक शक्ति प्रदर्शन का जो है वो हम माहौल बनाने का एक प्रयास करें, असौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का हम लोग प्रयास करें, ये बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज है, मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा? एक आम नागरिक के लिए जिसके पास में संविधान की सुरक्षा मिलती है कि भाई कानून सबके ऊपर जो है वो बराबर तरीके से लागू होगा और उनकी सुरक्षा करेगा, पर यहाँ पर जो प्रतीत किया जा रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है और वो जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गैर कानूनी काम और हरकतों को करने का, कि नहीं आप जो है अगर इस काम को नहीं करेंगे तो हम आपके साथ में जबरदस्ती करेंगे, आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहाँ जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। ये परिस्थिति मुझे सन 84 की याद दिलाती है, जिस प्रकार का माहौल जो है वो सन 84 के अंदर जो है वो बनाया गया था, उसी का एक रूप को कल देने का जो है एक प्रयास किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का नियम? ये देश, हमारे को पूरा विश्वास है कि कानून पे चलता है, एक व्यवस्था पे चलता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनने की जो हमारे को पहले से ही संभावनाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को कई दिनों पहले इसकी जानकारी भी हम लोगों ने दे दी थी, फिर अखबार के माध्यम से भी हम लोगों ने उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर इसकी जानकारी दी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि 144 को क्यों नहीं लागू कराया गया? और आप इतने लोगों की जानों के साथ में खेलेंगे, इस चीज का कौन जिम्मेदार है? क्योंकि तो सरकार के कुछ लोग पदों के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने पदों का वो दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनवाकर गैर कानूनी हरकतों को जो है करवाकर एक आदमी के ऊपर जो है उस चीज का दबाव बनवाएंगे कि हम आपके घरों के अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। संस्था के अपने खुद के भी कोई कानून होते हैं, इस प्रदेश, इस देश के अंदर भी एक संविधान है, एक कानून है, उसके ऊपर हम में से कोई भी नहीं है।
और उसके अंदर हम लोग जज्बाती करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करें पूजा के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको बैठ कर करी जा सकती है, गुड्डागर्दी के माध्यम से ये चीज नहीं हो सकती है। आप किसी के घर के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, मैं आप में से किसी के भी घर के अंदर अगर प्रवेश करना चाहूं तो मैं आपको बिना बताए बिना कहे मेरी निजी आस्था को क्या आपके घर के अंदर मैं पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास में ये अधिकार है? क्या मैं आपके घर के अंदर जाना चाहता हूं और मेरे निजी अधिकार, मेरी जो निजी आस्था है पर वो मैं आपके घर में पूरा करना चाहता हूं, और इसके बारे में ना मैं आपको बताऊंगा, आपको इसके चीज के बारे में बताना उचित समझूं। अब ये गुंडागर्दी हमको जो है वो सहन करनी पड़ेगी, और कानून और प्रशासन इस सोच की जो है वो मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीजों का सामना करा हुआ है, वो लोग मरते मरते बचे हैं इन चीजों को लेकर। ऐसी ही परिस्थिति जो है वो उस समय पे भी बनवाई गई थी और आज भी उसी सोच के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश करने का एक गलत मंसूबे के साथ में प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और लोग यहाँ पे उसका सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग अभी कानून के भरोसे बैठे हुए हैं जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, और वो हम लोगों की एक आम नागरिक होने के नाते मदद करेगा। लाखों लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये कहां तक जायज है कि बच्चों की, महिलाओं की, बड़ों की, बुजुर्गों की जान को जो है वो खतरे में डाला जाएगा? लोग किसी के घर के ऊपर चढ़ने लग जाएंगे, वो अगर अंदर आते तो उसका हश्र क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसी की जान का नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मैं आप लोगों के माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक ये प्रशासन को, सरकार को आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा जागें, और हम लोग हमारे इस सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के प्रति का मोह थोड़ा सा छोड़ें, और हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास, समर्थन और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में कानून की रक्षा करना, कानून को सर्वोच्च रखना, और इसके अंदर अपने खुद के जो है वो दायित्व को और कानून को अपने हाथ में लेते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे थे, और इसको कार्य को होते हुए बाकी के लोग जो वहाँ मौजूद थे वो देख रहे थे इस कार्य को होते हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? आज मुझे इस बात का भय ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इन ऐसे गलत मंसूबों के लोगों के साथ में जुड़कर उनका जबरदस्ती हमारे घर के अंदर अगर प्रवेश करवाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, आपका तर्क है कि जबरन प्रवेश किया जा रहा है, सामने ये कहा जा रहा है कि बेशक संपत्ति का विवाद है, लेकिन मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं तो सिर्फ देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब सवाल जिसके भी जो कोई होंगे आप सवाल लिख के हमारे को भेज दीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे, और आपको कोई भी अगर आपत्ति है या कोई तकलीफ है तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। अगर किसी का कोई भी मानना है, किसी की कोई भी जो है वो सोच है, तो आप अदालत के माध्यम से एक सभ्य तरीके से उन चीजों का निर्वाह करने का हम लोग प्रयास करें। ऐसे जमीन पे आकर और जो है वो हथियारों को लेकर बीच शहर के अंदर हम लोग जो है वो चल रहे हैं, और एक जहां पर माहौल इतना जो पहले से ही गरमाया हुआ है, जो सही नहीं है, उसके अंदर इस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये कोई सभ्य रास्ता नहीं है। हमारे कानून का रास्ता है, हमारे यहाँ पे अदालत है, उसके पास हमको जाना चाहिए। अगर हमारे को रिलीफ चाहिए, अगर हमारे को कोई हमारी मांग है, तो हम अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, और उससे हम लोग जो है वो कार्य को कर सकते हैं। गुंडागर्दी और कानून को हाथ में लेने से हम लोग कहीं नहीं पहुंचे। देखिए आज की तारीख में परंपराएं, संस्कृति और ये सारी चीजें जो है वो हमारे देश की है, और आज हम लोग किसी भी कार्य को, हमारे संस्कृति को मानना हमारा काम है, पर इस कीमत के ऊपर नहीं। कार्य करें जिससे कि अमन, चैन, शांति इस शहर के अंदर बनी रहे। जो नाम आज की तारीख में उदयपुर का हो रहा है देश और दुनिया में, इन चीजों की वजह से कि आज हम लड़ाई एक सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं, कितनी निंदनीय बात है। कितना खराब लगता है कि जब इस प्रकार से जो है खबरें हमारे को देखने को मिलती हैं, जिसके लिए और कोई नहीं, हम स्वयं ही जो है वो जिम्मेदार रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग बीच के अंदर भी अपना राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो समय, जगह या वो चूल्हा नहीं है जिसके ऊपर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। लोगों का जो है वो इस्तेमाल करें,
और किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के मंसूबों को, अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी लालच को पूरा कराने का जो है वो रास्ता इस सोच के साथ में जो है वो ना जो है वो जोड़ें, लोगों की जान की कदर करना सीखें। हम लोग ये नहीं कहें कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वो इंसान की जान है, ये ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर उदयपुर जो पिछले कुछ समय से ऐसे तत्वों के कारण, ऐसी समस्याओं के कारण वैसे ही झुलस रहा है, हम लोगों को इसके अंदर एकत्रित होने की आवश्यकता है और सभ्य तरीके से हम लोगों को इसका कोई समाधान निकालने की आवश्यकता है और कानून के माध्यम से जो है वो निकालने की आवश्यकता है। गुंडागर्दी से हम लोग इसका समाधान जो है वो ना पहले निकाल सके ना आज निकाल पाएंगे, और कोशिश तो हमारी उम्मीद और भरोसा यही है कि ना आगे गुंडागर्दी के माध्यम से तो इसका रास्ता जो है वो नहीं निकले। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आप मान रहे हैं? आप लोग स्वयं वहां मौजूद हैं, आप चौथा स्तंभ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप स्वयं खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे जो